मॉर्निंग एवरीवन। तो जी आज जैसे कि हमारे पास गैस नहीं है तो इसीलिए मैंने मेरे लिए चाय बना के रखी थी, तो अभी मैं चाय निकालूंगी। ये गर्म है, गर्मी फील हो रही है। शुक्र है मैंने बना के रखी यार गैस। आज जो है 7 बजे आने वाला है। ओह गर्म है, शुक्र है शुक्र है। चलिए जी निकालते हैं अपनी चाय और पापा खाऊंगी और इसके बाद आपको बताती हूँ आज की अपडेट। देखिए मैंने न्यू ऑयल बनाया, कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिला के इसका जो है रिजल्ट मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, ठीक है जी। ये देखिए पहले मैं खुद इसको टेस्ट आउट कर लूँ एटलीस्ट फॉर अ मंथ, फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड ये देखें मैं कुछ इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ बिस्मिल्लाह, और सुन जो इसके रिव्यूज़ में आप लोग से शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं खुद देख लूँ फॉर अ मंथ और उसके बाद जो है आप लोग को बताऊँगी। बाकी अभी जो है मैंने इसे 2 से 3 बार यूज़ किया है, मेरा हेयर फॉल थोड़ा बहुत रुका है, अभी इसको 1 मंथ देते हैं फिर पता चलेगा हमें इसके रिजल्ट। तो जी ऑयल अप्लाई कर लिया है मैंने, अब जस्ट जो है मैं इसको फॉर 2 आवर्स यहाँ 3 आवर्स के लिए छोड़ूंगी और उसके बाद जो हेयर वॉश कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं आज आप लोग को दिखाती हूँ अपनी ये सारी शॉपिंग, ठीक है जी। तो वो वैसे मैं सोच रही थी कल आपको दिखाती पर मैं नहीं दिखा पाई, बहुत थक गई थी, मैं सो गई थी, तो अभी दिखाती हूँ इसको। थोड़ी देर छोड़ूंगी जब तक जो है मैं अपना एडिटिंग शेडिटिंग डन करूँ, ब्लॉग पोस्ट करूं और फिर इसके बाद मिलती हूं। तो जी ना कर आ गई मैं, अब मैं आप लोगों को जो है अपने बाल पहले सबसे पहले ट्राई करूं, फिर आपको बैग्स नहीं फुटवेयर दिखाती हूं कि मैं वॉकी से क्या क्या लाई, और एक जो है मैं बस बैग्स नहीं वॉलेट लाई, बस एक वॉलेट लाई और बाकी जो है 6 मैं फुटवेयर लाई, तो वो आप लोग को दिखाती हूँ और आप लोग मुझे बताएगा फिर आप लोग को कैसे लगे। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं वॉकीज़ का हॉल बनाऊँ, जिन लड़कियों को साइज इश्यूज होते हैं तो उनके लिए एक सेपरेट से वीडियो बनाऊँ कि आप लोग को कौन से ब्रांड्स की मिल सकती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर। जो मैं हमेशा को मतलब नॉर्मल हीट पे रखती हूँ, वो जो वार्म हीट है उस पर नहीं रखती हूँ। चले जी तो फाइनली मैंने जो है ये निकाल लिए। ये देखिए मैंने कहा आज अभी जो है मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ, वरना बोलेंगी कब से बोल रही यार अभी तक दिखाई नहीं, तो चले मैं अभी जो है ये खोल के दिखाती हूँ आप लोग को। तो चले जी अब जो है मैं ये सारे ओपन करके आपको दिखाती हूँ ये सारे, और आप लोग मुझे बताइए इन सब में से कौन सा आपको अच्छा लगा तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैंने फाइनल टाइम निकाला, गेस्ट आए हुए थे तो टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा फाइनल टाइम दिखाती हूँ अपने दोस्तों को भी, तो दिखाऊँ मैं क्या लाई क्या नहीं। तो सबसे पहले हाँ ये बात बता दूँ कि वॉकीज पे सेल चल रही है अराउंड 25% और 50%, ठीक है। पर मुझे मिले वो फ्रेश आइटम से लाइक न्यू अराइवल से, इनके तो इन पर मुझे कोई ऑफ नहीं मिला, तो हाँ 14% ऑफ मिला था, 14% ऑफ मिला था। उसके अलावा फर्दर ज़्यादा मुझे ऑफ नहीं मिला क्योंकि यार मेरे साइजेस का इशू होता है, तो जो मुझे फिट आ जाते हैं मैं वो लेती हूँ, ज़्यादातर मैं सेल के फ़ायदे नहीं ले पाती इसीलिए, और जिनको साइजेस का इशू है तो उनको वो किस के आराम से आ जाएंगे। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, अब ओपन करते हैं। फर्स्टली आई हैव दिस, और सच सच बताइएगा जो आपको अच्छे लगे, जो अच्छे ना लगे वो भी बताइएगा। सबसे पहले मैं लाई हूँ ये वाले, ये देखें किस तरह से पैक्ड है, इनकी पैकेजिंग इज़ वेरी नाइस। तो ये कुछ इस तरह से पैक होते हैं इसमें, फिर यू इसमें, एंड देन ये पूरा जो मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ फिर इसमें। तो जो वॉकीज का साइज़ मुझे आता है वो 6 आता है, लास्ट साइज़ आता है, और दूसरा मुझे आता है स्टाइलो का, स्टाइलो में समटाइम मुझे 35 भी आ जाता है, 36 भी आ जाता है और 37 भी आ जाता है 35 में। तो ये कुछ इस तरह से दिखती हैं, ये देखें जी, और आप लोग मुझे सच सच बताइएगा आपको कैसी लगी। वैसे बड़ी ट्रेंडी है आजकल, बहुत चल रही है, तो इसीलिए मैंने ब्लैक भी ऑलरेडी मेरे पास 3-4 ब्लैक है फिर भी। तो फर्स्टली ये है, इनको ओपन करके रखती हूँ ताकि याद रहे और बाद में आप लोगों को सब दिखाऊं और कौन सी अच्छी लगी आप लोग मुझे वो बताएं। देखने के तो अपनी चीज़ें संभाल के रखती हूँ। तो फर्स्टली ये था हमारे पास, एंड सेकेंडली मैं अराउंड मतलब 6 हील्स लाई हूँ, 6 आ गई मेरी इस बजट में। ये बजट था मेरा सब अराउंड 18,000 था, 18,000 से मतलब यू नो 19,000 तक मेरी ये 6 हील्स आ गई और एक वॉलेट आ गया। दूसरी ये है, ये तो भाई बड़ी ट्रेंडी है, ये देखिए मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है इसीलिए मैंने ज़बरदस्ती ली, और मुझे वीडियो में भी यूज़ कर ली थी वाइट हील, इसीलिए मैंने ये ले ली, पहली भी मेरी इसमें आ गई थी। आप लोग बताइएगा मुझे ये कैसी लगी, और सेम इनकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से,
अब आ जाते हैं दूसरे पे एंड उसके बाद ये खोलो, इसकी पैकेजिंग मुझे सीन में मिली है। लेट मी ओपन इट। ये ट्रांसपेरेंट आजकल बड़े ट्रेंडी चल रहे हैं और इन सबकी हील जो है ना वो इसी तरह कंफर्टेबल है ताकि आपको पाँव में दर्द वगैरह ना हो। और ये कुछ इस तरह से है। वैसे ये मुझे पसंद नहीं आ रही थी बट मेरे थोड़े बहुत पैसे बचे थे इसलिए मैंने ले ली, पर घर आकर मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। तो थैंक्स टू अम्मी जिन्होंने मुझे बोला ले लो भाई ये ले लो। ये है, इसको अब यहाँ पर रख देती हूँ ताकि बाद में आप लोगों को सब दिखाऊँगी। एंड देन वी हैव दिस वन, ये देखो मैंने पैकिंग खोल ही ली थी इसीलिए नहीं खोली थी, मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ खोलूँगी ताकि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ जिन्हें साइजेस का इशू है। गाइस मेरा पाँव आगे से मोटा है तो इसीलिए मैं कुछ इस तरह से लेती हूँ। मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाया करूँ ताकि आप लोगों को भी मिल जाए। ये देखें जी सारे 36 साइज है ठीक है, और ये बहुत कम्फर्टेबल है और ये मैंने डेली यूज़ के लिए लिया जिसके मेरे थोड़े बहुत पैसे बचे थे उसी लिए। दूसरा इसमें है, इसको हम डाल देते हैं ये के बाद। ये कितनी हो गई, 4 हो गई। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को बड़ी पसंद आएगी, जो लड़कियाँ वहाँ देख रही है उन्हें बहुत प्यारी लगेगी ये, क्योंकि ये बड़ी ट्रेंडी है। ये देखिए जी ये कुछ इस तरह से है और ये ही मतलब कंफर्टेबल है। मेरा पाँव देखिए थोड़ा मोटा सा है, आप वैसे तो इसमें जो है अच्छे से फिट आ गया था तो इसीलिए मैंने ये ले ली। और मुझे एक वीडियो के लिए ड्रेस पे चाहिए भी थी इस कलर की, और ये कुछ इस तरह से है। इसकी हील देखें, इसकी हील जो है ना इसकी हील मुझे बड़ी प्यारी लगी थी इस तरह से। पर यार ये वॉकीज़ वाले एक चीज़ बड़ी ख़राब करते हैं, ये देखें आगे से ये वाला हिस्सा है ना इनका, ये फ्लैट कर देते, इसमें ना थोड़ा बहुत मोटा कर देते, थोड़ी हील डाल देना तो थोड़ा कम्फर्टेबल हो जाए। और उसके बाद ये फाइनल लास्ट वन, देखिए इनकी बड़ी खोलनी पड़ती है भाई। तो इनकी लास्ट वन ये रही, ऐसी मैं हील पहले भी लाई थी और ये देखें ये बड़ी कंफर्टेबल है चलने में, मतलब डेली रूटीन के लिहाज से तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी इसलिए मैंने ली। ये ली 3 जो है मैंने वीडियो के लिए ली ताकि मुझे वीडियो के लिए ली ताकि मुझे जो है वो प्यारी लगे, और 3 जो है मैंने कम्फर्टेबल ली ताकि जो मैं डेली रूटीन के लिहाज से पहन पाऊँ। ये थी, और इसकी प्राइस है अराउंड 2750। बहुत ये देखें ना कंफर्टेबल है और इस रेंज में आज के दौर में बहुत रीजनेबल और कहीं आपको मिल नहीं सकता। तो जी फाइनल हो गई, ये 6 हील्स लाई थी मैं और उसके अलावा ये वॉलेट लाई थी, ये भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। गाइस वैसे जो है ना वो कि इसके वॉलेट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते, एक पहला वाला लाई थी मैं वो मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो अराउंड में लाई थी 1400 या 1500 का, और दूसरा मुझे ये पसंद आया, ये मुझे मिला है अराउंड 1950 का, मतलब 2000 अराउंड। आजकल देखिए यार इतनी महंगाई हो गई, जस्ट वॉलेट 2000 की। ऐसे फनी बात बताओ, अम्मी कह रही थी 2000 की भी कोई फुटवेयर ले लो, वॉलेट मतलब यूजलेस है। तो ये देखेंगे कुछ इस तरह से है एंड यूँ करता है। इसकी ना ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी ताकि ये जो एक्स्ट्रा पैसे होते ना हम यहाँ पे रख लें। यहाँ पे मेरे कार्ड सी 3 है, 3 कार्ड रख लूँ, और यहाँ पे मनी हनी शनि, यहाँ पे भी 2 कार्ड जब इजी लगे। तो ये मुझे बड़ा कूल लगा, बड़ा प्यारा लगा। आप लोग बताइएगा कैसे लगा। सो दैट्स ऑल अबाउट माई वॉकीज हॉल। आप लोग बताइएगा कि कौन सी जो आप लोग को ज़्यादा अच्छी लगी या कौन सी लगी कि बस ऐव ही है, या कौन सी लगी कि आपको नहीं लेनी चाहिए, जरूर बताइएगा। तो ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ मैं इनका आपको। सुनो दीदी माँ बहन उठने की करें इंदर जो है ना भाई पानी जो कम से अब आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने सोचा इस तरह से दिखा दूँ, ये देखे एक हील ये है, दूसरी वाली ये, तीसरी ये एंड फोर्थ वन ये। ये मुझे ये देखे बड़ी प्यारी है ये वाली ही, बड़ी अच्छी है। और उसके बाद ये कंफर्टेबल वाला एंड तीसरी ये। अब आ जाते हैं हमारे वॉलेट पे, ये मेरा वॉलेट। अब यार सोचती हूँ कि इनकी जो है जगह बनाऊँ, ये देखें
ये मैंने फाइनली खाली किया इसको, यहाँ पे रखा है। जूते थोड़े बहुत निकाले, सोचे ये जो न्यू लाई हूँ वो इसमें रखूँ और वो बाकी के हैं वो जो कम पहनूँगी वो उसमें रखूँ। ये देखिए अच्छी खासी इसमें जगह है, ये सारे मैंने यहाँ पे निकाले हैं। अब सेटिंग करके रखूँ फिर बाद में फाइनल दिखाती हूँ। तो जी हो गया ये सारा सेट, ये भी एंड ये भी। अब बाकी जो है एंड बाकी जो ये वाला है, ये वाले से करती पिक उनकी जो है वीडियो बनानी है, वीडियो बना लूँ, बाद में ये भी रख लूँगी। और बोलो जो है चलो ठीक हो गया। तो जी अभी मैं बड़ा थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ, मेरी आंखें भी देखी नींद वाली हो गई हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। बस आज जो है मैं शो करना चाह रही थी, आप लोग को दिखाना चाह रही थी कि मैं छोटी सी मेरे शॉपिंग मॉल के मैं क्या लाई हूँ और साइजेस वगैरह के बारे में। होप्स आप लोग को अच्छा लगा होगा, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। मेरा आवाज़ देखिए थोड़ा ख़राब हो रहा है, है ना। मेरे चैनल को नींद में गाइस में भी, है ना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।